Hello friends, welcome to the course on solid edge. In this video we are going to draw this object. Here in this picture you can see this one is a front view, this one is a top view, and this one is a right hand side view. Now this is the three dimensional orientation of this object. यहाँ पे सभी dimensions, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के दिए है. सो बाय रेफरिंग दिस डायमेंशंस वी विल ड्रॉ दिस ऑब्जेक्ट इन द सॉलिड एज. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पहले हम एक नई पार्ट फाइल ओपन करेंगे. तो उसके लिए मैं जाऊँगा एप्लीकेशन बटन के ऊपर और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके आईएसोमेट्रिक पार्ट फाइल इसके ऊपर क्लिक करके ओके बटन के ऊपर क्लिक करूँगा. अब यहाँ पे ये पहले हम 130 बाय 50 mm का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसे हम एक्सट्रूड करेंगे 56 प्लस 12 प्लस 12 से, यानी कि 80 mm से. तो पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे रेक्टेंगल बाय सेंटर कमांड में और यहाँ पे हम प्लेन सिलेक्ट करेंगे एक्स जेड और यहाँ पे मैं 130 बाय 50 mm का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, 130 बाय 50 mm. और अब इसको हम एक्सट्रूड करेंगे 80 mm से. सो सिंपली अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस एरो के ऊपर क्लिक करके माउस को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे वैल्यू 80 mm की. तो ये 80 mm से एक्सट्रूड हो जाएगा. अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कटआउट फीचर्स है चारों कॉर्नर पे. एक कटआउट फीचर हम यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद ये चारों कॉर्नर में या फिर बाकी तीनों कॉर्नर में हम उसे मिरर करेंगे. इनका डायमेंशन क्या है, तो इनकी लेंथ है 30 mm, विड्थ है 25 mm और उनकी जो हाइट है वो है 50 माइनस 20 यानी कि 30 mm. तो यहाँ पे इस कॉर्नर में पहले हम वो कटआउट फीचर क्रिएट करेंगे. तो इसके लिए मैं जाऊँगा रेक्टेंगल बाय टू पॉइंट कमांड में और प्लेन सेलेक्ट करेंगे ये टॉप सरफेस. क्विक व्यू बॉक्स में जाके मैं इस टॉप के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम 30 बाय 25 mm का एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे. फिर से इस होम बटन के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू जो है उसे सेट करेंगे. अब उसके बाद मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद ये रीजन सेलेक्ट होने के बाद इस एरो के ऊपर क्लिक करके माउस नीचे की तरफ हम मूव करेंगे और यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे 30 mm और उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे. सो ये 30 बाय 25 बाय 30 mm का कटआउट फीचर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. अब इस फीचर को हमें इस कॉर्नर पे मिरर करना है, तो उसके लिए कमांड है यहाँ पे मिरर, यहाँ पे है पैटर्न ग्रुप में. तो हम यहाँ पे पहले ये जो बेस रेफरेंस प्लेन है इनको इनेबल करेंगे तो सभी बेस रेफरेंस प्लेन यहाँ पे हमें दिख जाएंगे. उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, पाथ फाइंडर में कटआउट वन जो है ये कटआउट फीचर है. अब उसके बाद पैटर्न ग्रुप में मैं यहाँ पे मिरर कमांड में जाऊँगा, ये ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया है तो इसको हमें मिरर करना है विथ रेफरेंस टू दिस वाई जेड प्लेन. तो इस प्लेन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा,
तो ये मिरर हो जाएगा। अब उसके बाद ये दो जो कटआउट फीचर्स है इनको हमें इस कॉर्नर पे मिरर करना है। तो यहाँ पे पहले हमें एक रेफरेंस प्लेन लेना होगा जो ये जो 80 mm का जो डायमेंशन है इसके मिडल पे होगा। तो उसके लिए मैं जाऊँगा कोइंसिडेंट प्लेन के ऊपर और इस सरफेस के ऊपर कोइंसिडेंट प्लेन लूँगा पहले, और उसके बाद उसे हम मूव करेंगे, इस एरो को पकड़ के मूव करेंगे 40 mm से। सो इट इज एट द मिड ऑफ दिस 80 mm डायमेंशन। अब उसके बाद ये जो दो कटआउट फीचर्स है इनको हम सिलेक्ट करेंगे, कटआउट वन, और शिफ्ट की प्रेस करके मैं इस मिरर के ऊपर क्लिक करूँगा तो दोनों कटआउट फीचर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर से मैं जाऊँगा मिरर कमांड में और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इस प्लेन के ऊपर। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये चारों डायरेक्शन में मतलब चारों कॉर्नर में ये जो कटआउट फीचर्स है ये क्रिएट हो जाएगी। अब ये बेस रेफरेंस प्लेन इनको हम डिसेबल कर देते हैं, ये जो कोइंसिडेंट प्लेन हमने लिया था इसको हम डिलीट करेंगे। तो इस तरह से ये अब कटआउट फीचर्स जो है ये क्रिएट हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे चार काउंटर बोर होल्स है ये चारों सरफेसेस के ऊपर। अब इनका डायमेंशन क्या है देखिए, तो ये इसका जो डायमेंशन है फोर होल्स जो काउंटर बोर टाइप के होल्स है तो इसका होल डायमीटर है 8 mm, काउंटर बोर का डायमीटर है 18 mm और काउंटर बोर का थिकनेस है 3 mm। तो हम यहाँ पे पहले इस सरफेस के ऊपर काउंटर बोर जो होल है वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद इस रेक्टेंगुलर कमांड की मदद से बाकी तीनों कॉर्नर पे काउंटर बोर होल्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। तो मैं जाऊंगा अब होल कमांड के ऊपर और उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेन इस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, इसको लॉक करूँगा और उसके बाद हम जाएंगे होल ऑप्शंस के ऊपर। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा इस काउंटर बोर होल को, स्टैंडर्ड हम लेंगे मिलीमीटर, होल थ्रू ऑल है। अब डायमेंशंस है, ये है डायमेंशन 80 mm, उसके बाद काउंटर बोर का जो थिकनेस है या फिर काउंटर बोर का जो डेप्थ है वो है 3 mm और काउंटर बोर का डायमीटर जो है वो 8 mm है। उसके बाद ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये होल का पोजीशन कहाँ पे है देखिए, सो इस एंड से ये है 12 mm और इस लेफ्ट एंड से वो है 15 mm। सो यहाँ से है 12, ये 12 है और यहाँ से 15 है। तो यहाँ पे मैं ई बटन दो बार प्रेस करूँगा तो हमें यहाँ पे ये डायमेंशन दिखाई देंगे। सो दिस इज 15 और ये है 12 mm। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये काउंटर बोर होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अब इस काउंटर बोर होल को हम यहाँ पे इस साइड में और यहाँ पे ये चारों कॉर्नर पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं लूँगा इस रेक्टेंगुलर कमांड की मदद। तो पहले हम इस काउंटर बोर फीचर को सिलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर में ये होल 3 मतलब ये काउंटर बोर होल है और उसके बाद हम यहाँ पे ये रेक्टेंगल कमांड इसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे इस का जो पैटर्न है रेक्टेंगुलर पैटर्न वो बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पे
क्विक व्यू बॉक्स में जाके टॉप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम ये पाथ देख सकते हैं कि इस पाथ से अब ये काउंटर बोर जो होल है ये क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पे जाके मैं अब क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो नंबर ऑफ होल्स आपको कितने चाहिए एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में ये ऑप्शन आ रहा है। सो वी वॉन्ट हियर टू होल्स इन द एक्स डायरेक्शन, टू होल्स इन द वाई डायरेक्शन। अब ये डायमेंशन कितना है तो यहाँ पे है द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू होल इट इज़ 56, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू होल्स इट इज़ 100 mm। तो यहाँ पे ये है 100 mm और ये है 56 mm। तो ये वैल्यूज एंटर करने के बाद हम प्रेस करेंगे एंटर बटन। सो इन दिस वे ये काउंटर बोर होल जो है ये कट फीचर्स के ऊपर, कट आउट फीचर्स के ऊपर क्रिएट हो चुके हैं। अब इसके बाद ये भी सेमी होल है या फिर सेमी सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ होल है, ये भी काउंटर बोर टाइप का होल है। इसके डायमेंशंस कितने हैं देखिए, होल का जो डायमीटर है वो है 20 mm, रेडियस है 20 mm, काउंटर बोर का रेडियस है 25 mm और ये जो डेप्थ है ये 15 mm है। तो फिर से मैं जाऊंगा अब होल कमांड के ऊपर और यहाँ पे प्लेन हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला प्लेन। और उसके बाद होल ऑप्शन में हम जाएंगे और काउंटर बोर होल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड हम लेंगे 1 mm और यहाँ पे ये डायमेंशन है 40 mm, रेडियस है 20 तो डायमीटर 40 mm, ये 50 mm और काउंटर बोर है 15 mm। सो दिस इज 40, दिस इज 15 एंड दिस वन इज 50। देन क्लिक ऑन दिस ओके बटन और अब यहाँ पे इसे हमें सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये मिड पॉइंट दिखा रहा है, सो दिस इज द मिड पॉइंट। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सो इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड वन मोर सेमी सिलेंड्रिकल काउंटर बोर होल ऑन दिस टॉप सरफेस। अब इसके बाद ये दो जगह पे मेट्रिक थ्रेड्स है 12x1.5 के और उसका डेप्थ है 20 mm का। तो अब मैं जाऊंगा फिर से होल कमांड के ऊपर। इनका पोजीशन इस तरह से है देखिए, ये यहाँ पे यहाँ से 15 mm है और ये दो के बीच में है। सो इट इज़ एट दिस सेंटर, सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे मैं जाऊँगा होल कमांड के ऊपर। पहले हम ये प्लेन को अनलॉक करते हैं और होल कमांड के ऊपर मैं जाऊँगा अब और होल ऑप्शंस में जाके अब यहाँ पे हम लेंगे थ्रेडेड को, ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे थ्रेडेड। आइसोमेट्रिक हम लेंगे मिलीमीटर और यहाँ पे सॉरी स्टैंडर्ड वी विल टेक इट आइसोमेट्रिक और साइज हम लेंगे 12x1.5। सो दिस इज 12x1.5। डेप्थ वी विल कीप इट 20 mm। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइनाइट एक्सटेंट, होल एक्सटेंट जो है
और यहाँ पे होल डेप्थ हम रखेंगे 20 mm। वी बॉटम एंगल, दैट एंगल वी विल कीप इट 118 डिग्री का। और थ्रेड एक्सटेंट, टू होल एक्सटेंट हम यहाँ पे रखेंगे एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। और अब हम इसको सेट करेंगे, तो प्लेन पहले हम यहाँ पे सेट करेंगे दिस वन। और ये जो डायमेंशन है ये कितना है देखिए, सो यहाँ से है 15 mm, और यहाँ पे कितना होगा, ई बटन प्रेस कीजिए। सो यहाँ से है वो 15 mm, और यहाँ पे देखिए ये डॉटेड लाइन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ ऑन द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ दैट काउंटर बोअर होल। सो सिंपली क्लिक हियर, तो यहाँ पे ये थ्रेडेड होल बन जाएगा। उसी तरह से थ्रेडेड होल इस साइड में भी है। सो यहाँ पे जाके फिर से मैं ई बटन प्रेस करूँगा, तो देखिए अब फिर से हमें यहाँ पे दो गाइडलाइंस दिखाई दे रहे हैं, डॉटेड लाइंस। सो व्हेन आई क्लिक हियर, हियर ऑल्सो वन होल विल बी क्रिएटेड। सो दीज आर द टू थ्रेडेड होल्स विच वी हैव क्रिएटेड हियर। अब उसके बाद एक लास्ट फीचर या फिर और एक फीचर बचा है, उसके बाद का फीचर है ये स्लॉट। यहाँ पे स्लॉट के डायमेंशंस इस तरह से हैं, ये लेंथ है 50 mm, ये थिकनेस है 8 mm का, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3.3 का। तो यहाँ पे पहले मैं इस फ्रंट के ऊपर क्लिक करूँगा, इस प्लेन को अनलॉक करूँगा, और यहाँ पे मैं एक पहले इस प्लेन को लॉक करके एक लाइन ड्रॉ करूँगा जिसका लेंथ होगा इस मिडल से यहाँ पे 25 और इस साइड में 25। सो दिस इज 25, और एक लाइन मैं ड्रॉ करूँगा इस साइड पे 25 mm के। तो ये 50 mm की दो लाइनें हमने ड्रॉ की है। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑफसेट कमांड में, और इन दोनों को 8 mm से हम ऑफसेट करेंगे ऊपर की तरफ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे और दो लाइंस ड्रॉ करूँगा, ये लाइन और दूसरी ये वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे और दो वर्टिकल लाइंस मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ से और यहाँ से, जिनका डिस्टेंस होगा 3.3 या इस इन दो लाइन से। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट कमांड लूँगा और यहाँ से एक 3.3 mm की ऑफसेट लाइन इस डायरेक्शन में एक लूँगा, और यहाँ से इस डायरेक्शन में एक लूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे दो लाइनें यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करने वाली, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ज्वाइन करने वाली ड्रॉ करूँगा। अब बाकी जो लाइनें हैं जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइन के तौर पे ड्रॉ की थी, इनको हम डिलीट करेंगे। और अब हम इसको कट करेंगे। सिंपली आई विल सिलेक्ट दिस रीजन और मेरा माउस मूव करूंगा, तो ये यहाँ पे कट हो जाएगा। अब लास्ट फीचर बचा है ये कॉर्नर्स जो है ये यहाँ पे राउंडेड किए हैं, जिनका रेडियस है 2 mm का। सो आई विल गो हियर ऑन द राउंड कमांड, और उसके बाद ये जो एजेस है इनको हम सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे
इनका जो राउंडनेस है उनका उसका रेडियस हम रखेंगे यहाँ पे है 2 mm का. ऑलरेडी दैट वैल्यू इज एंटर्ड हियर, सो सिंपली आई विल प्रेस हियर द एंटर बटन. सो इन दिस वीडियो वी हैव क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट. सो टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट वी हैव यूज्ड वेरियस कमांड्स लाइक दिस मिरर कमांड, देन दिस रेक्टेंगुलर कमांड, देन वी हैव यूज्ड द वेरियस ऑप्शंस ऑफ होल कमांड्स ऑल्सो. सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन. डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ यूर फ्रेंड्स. एंड फॉर गेटिंग मोर वीडियोज ऑन सॉलिड एज प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन. थैंक यू.